तो अगर आप यहाँ पे एयरटेल का कस्टमर है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आप एयरटेल का हमेशा रिचार्ज कराते हैं, या तो एक महीने कराते हैं, या तो जो मंथली पैक है जो सबसे कम का रिचार्ज जो आता है 79 रुपीज़ का रिचार्ज है, अगर आप वो करवाते हैं तो भी आपके लिए बैड न्यूज़ है यहाँ पे निकल के आ रही है। मतलब सभी जो एयरटेल के जो 15 रिचार्ज है, यहाँ पे मैं 15 रिचार्ज के बारे में बताऊँगा आपको, जिसने एयरटेल ने अपने प्राइस को यहाँ पर बढ़ा दिया है, और वहाँ पर 26 नवंबर से ये प्राइस मतलब आपको देना पड़ेगा आपको एयरटेल का, अगर रिचार्ज करवाना है एयरटेल में अगर रहना है तो उसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन कौन सा ऐसा प्लान है जो एयरटेल ने यहाँ पर अपने जो प्लान को इनक्रीज़ कर दिया है, मतलब जितने का जो पहले था। मतलब पहले जो आप रिचार्ज करते थे तो सबसे कम का रिचार्ज, आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम का रिचार्ज जो था आपको 79 रुपीज़ का रिचार्ज था, वहाँ पे आपको क्या मिलता था, 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, और वहाँ पे आपको 65 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलता था जिसमें आप मैसेज नहीं कर पाते थे, ओनली आप कॉलिंग के लिए या तो सिम चालू रखने के लिए सबसे कम का पैक रिचार्ज करते थे। तो यहाँ पर उसकी प्राइस को आपको बढ़ा दिया गया है, और इसको बढ़ा कर आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप उसको रिचार्ज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर 99 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पर मैं कुछ और भी लास्ट में कुछ और एक मतलब आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप कैसे इस जो प्राइस जो बढ़ गया है उससे कैसे आप बच सकते हैं, कैसे उसी रिचार्ज में आप जो सिम है उसको एक्टिवेट कर रख सकते हैं। तो आपको बता दिया 79 का जो प्लान था वो आपको रिचार्ज 26 नवंबर से आपको 99 रुपीज़ उस प्लान के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको बता दूँ 2 MB डाटा ही मिलता था, 28 दिन की वैलिडिटी और कॉलिंग और इनकमिंग आउटगोइंग दोनों मिलती थी, लेकिन मैसेज वहाँ पर नहीं मिलता था। अब यहाँ पर बता दूँ 149 का एक रिचार्ज था, वहाँ पे आपको देने पड़ते थे, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती थी और 2 GB डाटा मिलता था और SMS की सुविधा भी वहाँ पे मिल जाती थी, और ये प्लान था आपको 28 दिन के प्लान था, लेकिन अब उसको प्लान को अब उसको लिए आपको 149 नहीं 179 आपको देने पड़ेंगे। वही 219 रुपये का प्लान है, वहाँ पर आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी और वहाँ पर आपको 1 GB पर डे डाटा मिलता था, SMS मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता था। वहीं आपको प्लान के लिए आपको वहाँ पर 265 रुपये देने पड़ेंगे, 219 रुपये की जगह पर आपको 265 रुपये देने पड़ेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा प्लान के बारे में नहीं बताएंगे, जो पॉपुलर प्लान है उसी के बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे यहाँ पे सामने स्क्रीन है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मैं लिस्ट यहाँ पर लगा दिया हूँ कि आपको कितने पैसे वहाँ पर देना पड़ेगा। तो सबसे जो प्लान जो पॉपुलर था 249 का प्लान पॉपुलर था, जो मंथली प्लान था, 28 दिन का प्लान था आपको एयरटेल का, उसमें आपको चुकाना पड़ता, वहाँ पे आपको 1 GB मतलब वहाँ पे 1.5 GB डाटा मिलता था और 100 SMS मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी, लेकिन अब उसके लिए आपको दोस्तों चुकाना पड़ेगा 299 रुपीज़ का। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सबसे कम का प्लान जो 28 डेज का था 199 का भी था, तो बिल्कुल सही है, 199 का भी प्लान था, वो सभी के लिए नहीं था, कुछ वैसे मतलब ऑपरेटर्स से जिसको ऑफर मिला था 1.5 GB डाटा और 28 डेज की वैलिडिटी के साथ वो प्लान आता था, अभी भी आता है, तो आप उसको कर सकते हैं 26 नवंबर के पहले आप इसको कर सकते हैं। वहीं एक दूसरा जो प्लान था आपको बता दूं, यहाँ पे 298 का प्लान था जिसमें 2 GB पर डे डाटा मिलता था और SMS 100 मिलता था और कॉलिंग वहाँ पे अनलिमिटेड मिलती थी। वहीं आपको जो 299 का प्लान था उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको 359 पे करना पड़ेगा। जो 56 GB का प्लान था जो पहले 399 का था दोस्तों, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 479 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मतलब 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मतलब बोलने का मतलब साफ है कि 25% यहाँ पे एयरटेल ने सभी प्लान्स पे यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्लान था जो 84 डेज के लिए आता था, वो 379 का आता था, वहाँ पे और 6 GB डाटा मिलता था केवल, और वहीं पे एक आता था प्लान 598 रुपीज़ का प्लान आता था जो 84 डेज का आता था, 1.5 GB डाटा के साथ में आता था, वो प्लान के लिए आपको पे करना पड़ेगा 719 रुपये, बिल्कुल आपको 719 रुपये पे करना पड़ेगा। वो 598 का प्लान है, मतलब 721 रुपये मतलब 121 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे करके आपको तब लेना पड़ेगा, आपको फिक्स जो 84 डेज का प्लान है वो लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो और भी प्लान्स हैं जो आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, पूरा यहाँ पे बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एयरटेल ने इतना क्यों बढ़ाया। अब मैं बोला था कि इसको प्लान को बचने के लिए, इसमें जो प्राइस एक्स्ट्रा दे रहे हैं उससे कम होने के लिए, मतलब उतना पे नहीं करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली सी बात है दोस्तों, आप एक साल का जो प्लान आता है, अगर आप इस एक साल का प्लान के लिए रिचार्ज कर लेते हैं, एक साल का प्लान का रिचार्ज आता है 1498 रुपये का रिचार्ज आता है जो एक साल के लिए होता है, और यहाँ पर आपको
अगर वो नहीं, अगर वहाँ से पे कर लेते हो 1498 रुपये में हो जाता है, अगर उसके 2600 रुपये के बाद पे करेंगे तो उसको रिचार्ज हो जाएगा 1799, मतलब 300 रुपये एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे करना पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि आप नहीं अगर चाहते हैं कि एयरटेल में हमेशा बना रहना चाहते हैं तो एक साल का रिचार्ज कर लीजिए, आप यहाँ से बच सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज देने से आप यहाँ पे बच सकते हैं, एक साल के अंदर कम तो होने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे एयरटेल कर दिया तो जियो भी जरूर इसमें जरूर अपना प्लान्स को हाइक करेगा। तो आप जियो में पोर्ट मत कीजिए, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एयरटेल का, क्योंकि कुछ दिन के बाद जियो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स वॉचिंग फॉर अ वीडियो, थैंक यू।